सर मेरे को तो मजा आया नहीं। साउथ वाले को ये सलाम करता हूँ मैं भाई, साफ सुथरी फिल्म बनाते हैं और करोड़ों के अंदर काम करती हैं। अपने बॉलीवुड के अंदर है ना, सारा नंगा नाच नचा देते हैं फिर भी फिल्म फ्लॉप जाती है, समाज को भी गलत मैसेज आता है, परिवार के साथ आप नहीं देख पा रहे, तो साउथ साइड वालों को ये सलाम करना पड़े। ऐसी लगी सर आपको मूवी? फाइटिंग थी, सब कुछ था, समझ वो उसको आती है जो जिसने पहला चैप्टर देख रखा हो। वैसे अच्छी थी मूवी। राम राम जी सर, अगले दिन सुबह की आज आप आ लिए हैं नागपुर, कौन सी सिटी थी सर वो? चले थे आप वहाँ से 36 की बिलाई से कल चले थे और आप आ लिए आज नागपुर। नागपुर में कल मूवी देखी थी KGF चैप्टर 2। KGF चैप्टर 2 कल देखी थी भाई, और वो मनोज सर अपना साथ थे, अजीत भाई साथ में, ये देखा सर तक पूछा वो कैसी लगी, क्या लगी, कुकर लगी मूवी वहाँ। नमस्कार सर। सर आपने कल मूवी देखी KGF 2, कैसी लगी सर? सर मेरे को तो मजा आया नहीं। कोई क्यों खास सर? बस मजा सारी काड़स काड़स सी हो रही थी। कोई ग्रीनरी नहीं थी, कोई वो कोई स्टोरी नहीं थी, मतलब कोई एक आम आदमी देखने जाता है, मान लो खेत में अपना किसान भाई देखने गया, उसको समझ में नहीं आएगा क्या सौदा हो गया उसके अंदर। तो वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो एक नॉर्मल आदमी को भी समझ में आ जाए। अच्छा। या ये स्टोरी उसी को समझ में आएगी जो फिल्म का चाचड़ू है। अरे कहना क्या चाहते हो? आम आदमी को नहीं समझ में आएगी। बाकी साउथ साइड वालों की एक बात बढ़िया लगती है, कोई वल्गरिटी नहीं दिखाते, कोई भी फैमिली के साथ जाके फिल्म देख सकता है, ये सबसे अच्छी बात इनकी लगती है। और स्टोरी सस्पेंस वाली होती है भाई, देखो हर एक का देखने का तरीका अलग होता है भाई, अपने को मारधाड़ वाली नहीं समझ में आई। बाकी ये साउथ वाले को ये सलाम करता हूँ मैं भाई, साफ सुथरी फिल्म बनाते हैं और करोड़ों के अंदर काम करती हैं, अपने बॉलीवुड के अंदर है ना, सारा नंगा नाच नचा देते हैं फिर भी फिल्म फ्लॉप जाती है, समाज को भी गलत मैसेज आता है, परिवार के साथ आप नहीं देख पा रहे, तो साउथ साइड वालों को ये सलाम करना पड़ेगा। थैंक यू सर। हाँ जी यादव साहब, क्या हाल है? हाँ जी सर बढ़िया है, आप बताओ। कैसी लगी सर आपको मूवी? वैसे देखने में तो बहुत अच्छी थी, फाइटिंग थी, सब कुछ था। समझ वो उसको आती है जो जिसने पहला चैप्टर देख रखा हो। इस मूवी को समझने के लिए आपको पहला चैप्टर देखना जरूरी है। अच्छा जी, तब आपको समझ में आए। वैसे कोयले की खान दिखा रखी, कोयले की खान में कहते हैं ना, कोयले की दलाली में मुँह काड़ा, वो वाली बात है। अच्छा जी, वैसे अच्छी थी मूवी। तो भाई बापे होटल तापे चेकआउट करा, हाँ आपा ने कल ये होटल लिया था अपना, रात ने आप लेट ज़्यादा हो गए थे KGF के चक्कर में, इस खातर आप ती होटल वगैरह दिखा नहीं पाए। चलो अब नीचे सर अपनी वेट कर रहे हैं, तो चलो भाई आपने नीचे मिलांगे। मिल सदा पड़े हैं पटाके मना छोरियां, तो पहले मेरे भाई चुन राखे मने, देखा साले जो भी मेरे याड़ियां की कहनी, याने याले आंडते फरारियां मैं मैडम मन रख डाकी खील के पटारियां मैं आली रे छछ फुट आले गाबरू। तो लोकेशन पा लिया, यहां पे अपन जहां वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ये अजीत जी रहे और ये यहां ऊपर जाके ऑफिस है। ये सर भाई चल पड़े अपने ऑफिस में। पूरे भारतवर्ष के अंदर नाम चलता है इनके, घोड़े चलते हैं, बेचने पैसा मिले और हर साल भी आपको एक पैसिव इनकम आती रहे, तो इस तरह का ये बिजनेस होने वाला है। इस वीडियो को शूट करने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं नागपुर महाराष्ट्र में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मैम जुड़ेंगे जो कि बिजनेस आइडिया के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
सूट करके अब खाना खाने जा रहे हैं भाई अपने अजीत भाई बैठे पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगा तैनू नी जो दिल दा महल बनाया सी तोड़ के मोती फुलां दे जे मैं सानू छड्ड गईयां नी तूं अलड़े जदों तैनू कोई छड्डूगा तां पता लगूगा तेरे नाले नाले ही तू लाउण वाली है दिल तेरा जो ये अपने सर की क्रेटा गाड़ी है और इसमें खाना खिलाने लेके आए हैं अपने होटल में। ये सर की गाड़ी का नंबर है और ये होटल है भाई जिसमें अपने खाना खाएंगे। चलो भाई तो भाई अपना उरे जो सूट था वो सूट हो लिया कम्प्लीट ही बात का चला देख अगर जाएंगे देखा बीच में अगर कहीं होटल में रुकाएंगे तो कहीं बीच में रुकाएंगे। चलो